हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सबका इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं, ठीक है। प्लांट लाइफ साइकिल हम पूरा पढ़ चुके हैं, ब्रायोफाइटा में कैसा, टेरिडोफाइटा में कैसा, जिम्नोस्पर्म में कैसा और एंजियोस्पर्म में कैसा। और जो प्लांट लाइफ साइकिल होता है वो कैसे अपने जनरेशन के साथ अल्टरेशन करता है, कहने का मतलब है फिर डिप्लॉयड, डिप्लॉयड और फिर हैप्लॉयड, यानी स्पोरोफाइटिक प्लांट जनरेशन से गैमेटोफाइटिक प्लांट जनरेशन और गैमेटोफाइटिक प्लांट जनरेशन से क्या बनता है, स्पोरोफाइटिक प्लांट जनरेशन। इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एनसीईआरटी में पेज नंबर 42 पे, क्या एनसीईआरटी पेज नंबर 42, 11th था, एनसीईआरटी पेज नंबर 42 पे डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। उसको निकालिए और अभी वो आपके पास रहना चाहिए, क्लियर। प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट के पास, टोटल प्लांट के पास फोर टाइप्स के डिफरेंट लाइफ साइकिल प्रेजेंट होते हैं। कितने? फोर टाइप्स के डिफरेंट लाइफ साइकिल प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल, क्या हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल। दूसरा होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तीसरा होता है क्या हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्या हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और तीसरा होता है डिप्लो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, क्या डिप्लो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, क्लियर है। तो फोर डिफरेंट टाइप्स के लाइफ साइकिल प्रेजेंट होते हैं। इस फोर डिफरेंट टाइप्स के लाइफ साइकिल में हम सबसे पहला अभी देखेंगे हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। क्या पढ़ेंगे भाई? हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, क्या हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। तो हेडिंग देंगे आप हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल। देखो ना, हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, क्या हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, मैक्सिमम प्लांट का जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट को कवर करता है। किसको कवर करता है? गैमेटोफाइट को, यानी हैप्लोइड कंटेंट रखता है। इसीलिए इस तरह के लाइफ साइकिल को कहते हैं गैमेटोफाइटिक लाइफ साइकिल या हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल, क्या हैप्लोइंटिक लाइफ साइकिल। होता क्या है, जो प्लांट्स गैमेटोफाइटिक लाइफ साइकिल शो करते हैं उसमें जाइगोट में ही मियोसिस होता है। क्या होता है? जाइगोट में ही मियोसिस हो जाता है। जैसे आपको पता है कि जाइगोट बनता है, क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, क्या होता है जाइगोट? मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। जाइगोट सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, क्या सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। और ये जाइगोट क्या है, यहां पर डिप्लॉयड, क्या है डिप्लॉयड है। जैसे जाइगोट बना, अभी एक सेल नहीं है, यूनिसेलुलर है, तभी उसमें क्या हो गया, मियोसिस हो गया। क्या हो गया? मियोसिस हो गया। ऐसे मियोसिस को हम कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस, क्या कहते हैं? जाइगोटिक मियोसिस। तो मियोसिस होता है तो क्या होता है, एक सेल डिप्लॉयड सेल यानी जाइगोट ये रिडक्शनल डिवीजन करता है और दो हैप्लॉयड सेल बनाता है, फिर मियोसिस टू होता है। और मियोसिस टू में आपको पता है कि फर्दर हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये हुआ मियोसिस। क्या हुआ भाई? मियोसिस, यहां पे लिखना ज्यादा सही है। क्या हो गया भाई? मियोसिस, क्लियर है। मियोसिस में, जाइगोट में मियोसिस होता है और मियोसिस से बनते हैं स्पोर्स। क्या बनते हैं? फोर स्पोर्स बनते हैं। ये सब हैप्लोइड स्पोर्स है, क्या ये सब हैप्लोइड स्पोर्स है, ये लिख देते हैं इन, क्लियर। ये सब क्या हैप्लोइड स्पोर्स है, क्लियर, स्पोर्स, क्या स्पोर्स है। अब आपको पता है ये जो स्पोर्स है ये जर्मिनेट करेगा। स्पोर क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा और क्या बनाएगा, क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट बनाएगा, क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। तो ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, डेवलप करते हैं और ये मेन प्लांट बॉडी बनाते हैं। किसमें? एल्गी में, लोअर प्लांट्स में, और उसको कहते हैं हम क्या, गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं भाई? गैमेटोफाइट। तो यहां पे हम बना दिए गैमेटोफाइट, क्या गैमेटोफाइट, ठीक है। तो ये बन गया गैमेटोफाइट। इस गैमेटोफाइट पे
सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है एंथेरेबियम एंड आर्टिगोनियम। तो पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल कौन सा करता है, यानी मैक्सिमम गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी किसके पास रहता है। तो मैक्सिमम टाइम तक गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी रहता है एल्गी के पास, थैलोफाइटा के पास। यानी मोस्ट ऑफ द थैलोफाइटा एल्गी क्या सो करते हैं, हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल सो करते हैं। क्या हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल सो करते हैं। इसमें ये जो गैमेटोफाइट बनता है ये डोमिनेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। डोमिनेंट करने का मतलब मैक्सिमम टाइम तक थैलोफाइटा में ये गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होता है, डोमिनेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, फ्री लिविंग होता है। इसी गैमेटोफाइट पे क्या, इसी गैमेटोफाइट पे क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा। क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा। गैमेटोफाइट क्या, हैप्लोइड। तो हैप्लोइड में, हैप्लोइड प्लांट बॉडी में जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो आप बताओ कि ये गैमेटोजेनेसिस हैप्लोइड होगा या डिप्लोइड होगा। वेरी गुड, क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस हैप्लोइड सेल में हो रहा है या डिप्लोइड सेल में हो रहा है, हैप्लोइड सेल में हो रहा है। तो गैमेटोजेनेसिस से गैमेट का फॉर्मेशन बनेगा। तो ये जो गैमेट बनेगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, क्या मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ये कौन से सेल डिवीजन से बनेगा, क्या कौन से सेल डिवीजन से बनेगा। गैमेटोफाइट में जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो वहां मियोसिस नहीं चलता है, क्या चलता है वहां पे, माइटोसिस चलता है। क्या चलता है भाई, माइटोसिस। तो गैमेटोजेनेसिस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। फर्दर मेल एंड फीमेल गैमेट का, क्या मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ और बन जाएगा जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कहलाता है सिंगामी। क्या कहलाता है, सिंगामी कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंगामी। तो ये हो गया सिंगामी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जैसे सिंगामी हो गया यानी जाइगोट बन गया, और फिर तुरंत से जाइगोट में क्या हो गया, मियोसिस हो गया। यानी कि डिप्लॉयड टाइम पीरियड बहुत कम समय तक रहता है, उसके रिस्पेक्ट में हैप्लोइड टाइम पीरियड या गैमेटोफाइटिक जनरेशन बहुत लंबे समय तक रहता है। तो ऐसे लाइफ साइकिल को कहते हैं, क्या कहते हैं, हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल या हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल। अब यहां पे डिस्कस करते हैं हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल का मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है। चलिए, हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी प्लांट शो करते हैं, उसका मेन प्लांट बॉडी क्या, मेन प्लांट बॉडी क्या है, मेन प्लांट बॉडी दिखा आपको, मेन प्लांट बॉडी क्या है, यह है गैमेटोफाइट कंटेंट और यह है स्पोरोफाइटिक कंटेंट। तो मेन प्लांट बॉडी क्या है, मेन प्लांट में क्या है, गैमेटोफाइट। तो मेन प्लांट बॉडी होता है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। ये जो गैमेटोफाइट होता है मेन प्लांट बॉडी, ये डोमिनेंटी शो करता है, क्या डोमिनेंसी शो करता है। तो ये होता है डोमिनेंट, क्या होता है भाई, डोमिनेंट। उसके अलावा ये फोटोसिंथेटिक होता है, क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। चलिए, क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। नेक्स्ट, ये फ्री लिविंग होता है, यानी अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है, किसी पे डिपेंड नहीं होता अपने फूड के लिए, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होता है। तो ये क्या होगा, फ्री लिविंग होगा, क्या होगा भाई, फ्री लिविंग। क्लियर है। नेक्स्ट, स्पोरोफाइट जो होते हैं ना, ये जो स्पोरोफाइट बनते हैं, जो जाइगोट बनता है, ये फ्री लिविंग नहीं होता है थैलोफाइटा में, ठीक है। या फिर वैसे ऑर्गेनिज्म जो हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, वहां पे ये क्या नहीं होता है, फ्री लिविंग नहीं होता है। जाइगोट अपना न्यूट्रिशन किससे ऑब्टेन करता है, गैमेटोफाइट से ऑब्टेन करता है, इसे गैमेटोफाइट से ऑब्टेन करता है। चलो यहां पे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। हाँ भाई, स्पोरोफाइट क्या होते हैं, वन सेल्ड होते हैं, क्या वन सेल या सिंगल सेल या यूनिसेलुलर होते हैं स्पोरोफाइट, सिंगल सेल के बने होते हैं, इसको बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, क्या जाइगोट। ये फ्री लिविंग होता है, नहीं फ्री लिविंग तो नहीं होता है सर, तो जाइगोट नॉट फ्री लिविंग। मतलब आप समझ गए कि अपना न्यूट्रिशन गैमेटोफाइट से ऑब्टेन करेगा। इस जाइगोट में, यानी स्पोरोफाइट में क्या होता है, मियोसिस होता है। क्या होता है भाई, मियोसिस होता है, और मियोसिस से क्या बनता है, स्पोर्स बनता है। क्या बनता है, स्पोर्स, हैप्लोइड स्पोर्स बनता है। ये स्पोर्स फर्दर जर्मिनेट करते हैं, फर्दर डेवलप करते हैं, तो क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, गैमेटोफाइट बनाते हैं। इस गैमेटोफाइट में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है, और गैमेटोजेनेसिस से गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, फिर गैमेट्स के फ्यूजन से सिंगामी, फिर से जाइगोट बनता है। वही कहानी होता है। तो गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है, यानी मेन प्लांट बॉडी
थैलोफाइटा का है या वैसे प्लांट जो हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, उसमें मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, गैमेटोफाइट। क्या होता है, गैमेटोफाइट। क्लियर है। नेक्स्ट, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है वो आता है एग्जाम्पल आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है। सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल कौन शो करता है, ठीक है, तो आपको जनरल तो याद रखना है, क्या मोस्टली थैलोफाइटा, क्या मोस्टली थैलोफाइटा क्या शो करते हैं भाई, या मोस्ट एल्गी कौन सा लाइफ साइकिल शो करता है, हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल शो करता है, क्या हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल शो करता है। आप यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम देखते हैं एग्जांपल्स। हाँ भाई, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या एग्जांपल्स। एग्जांपल क्या, मोस्ट एल्गल जेनरा आर हैप्लोइडिक, मोस्ट ऑफ द एल्गी, मोस्ट ऑफ द थैलोफाइटा क्या होते हैं, हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द एल्गल जेनरा आर हैप्लोइडिक, मोस्ट ऑफ द एल्गल जेनरा आर हैप्लोइडिक। नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया है वो हम लोग को देख लेना चाहिए, क्या है, स्पाइरोगाइला, स्पाइरोगाइला हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल शो करता है। क्लामाइडोमोनास, क्लामाइडोमोनास फिर से हम आपको याद दिला दें, क्लामाइडोमोनास और प्रोटिस्टा में रख दिया गया है, एनसीईआरटी इसको एग्जाम्पल देता है, इसलिए हम भी एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, स्पाइरोगाइला, क्लामाइडोमोनास एंड वॉल्वोक्स, क्या भाई, वॉल्वोक्स, स्पाइरोगाइला, क्लामाइडोमोनास एंड वॉल्वोक्स, ये तीन एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। ये मोस्टली हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, मेनली क्या, हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। एनसीईआरटी बोलता है कि मोस्ट ऑफ द एल्गी यानी मोस्ट ऑफ द थैलोफाइटा के मेंबर क्या होते हैं, हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, जैसे स्पाइरोगाइला, क्लामाइडोमोनास एंड वॉल्वोक्स। कुछ एक्सेप्शन दे रखा है एनसीईआरटी, क्या कुछ एक्सेप्शन दे रखा है कि भाई ये एल्गी है, क्या एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन दे रखा है एनसीईआरटी कि ये एल्गी है लेकिन लेकिन ये हैप्लोइड लाइफ साइकिल शो नहीं करते हैं। एल्गी है लेकिन हैप्लोइड लाइफ साइकिल शो नहीं करते, इनको करना चाहिए हैप्लोइड लेकिन ये हैप्लोइड लाइफ साइकिल शो नहीं करते हैं। ये या तो हैप्लो डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, हैप्लो डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, या डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, क्या डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल। हैप्लो डिप्लोइडिक कौन कौन है जो शो करता है, यह आपको याद रखना है, इक्टोकार्पस, इक्टोकार्पस, केल्प एंड पॉलीसिफोनिया, क्या पॉलीसिफोनिया, इक्टोकार्पस, केल्प एंड पॉलीसिफोनिया, ये तीन तो एकदम राइम के जैसा तुमको याद होना चाहिए। कैसा लाइफ साइकिल शो करता है, हैप्लो डिप्लोइडिक, यहाँ पे कोई ट्रिक हम आपको नहीं बता रहे हैं, हैप्लो डिप्लोइडिक कैसा लाइफ साइकिल शो करता है, इक्टोकार्पस, केल्प, पॉलीसिफोनिया, इक्टोकार्पस, केल्प, पॉलीसिफोनिया, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रिक आप जान जाइए, मोस्ट ऑफ द एल्गी हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, जैसे स्पाइरोगाइला, क्लामाइडोमोनास एंड वॉल्वोक्स, यहाँ पे आप याद रख सकते हैं स्पाइरोगाइला को स्पाइडर से, क्लामाइडोमोनास को चला और वॉल्वोक्स को वॉल्वो से, वॉल्वो से। तो आप ये एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, स्पाइडर चला वॉल्वो में, क्या स्पाइडर चला वॉल्वो में, ये हैप्लोइड लाइफ साइकिल का, स्पाइडर फॉर स्पाइरोगाइला, चला फॉर क्लामाइडोमोनास एंड वॉल्वोक्स, सॉरी वॉल्वो का वॉल्वोक्स, ठीक है। तो स्पाइडर चला वॉल्वो में, याद रहेगा। एक्सेप्शन तुमको याद रखना होगा एकदम राइम में, कि हैप्लो डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, कुछ एल्गी हैं जो हैप्लो डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, जैसे जैसे इक्टोकार्पस, केल्प एंड पॉलीसिफोनिया, क्या इक्टोकार्पस, केल्प एंड पॉलीसिफोनिया, इक्टोकार्पस, केल्प एंड पॉलीसिफोनिया, दो चार पांच फ्लावर बोलेंगे ये आपको याद हो जाएगा। कुछ ऐसे भी एल्गी हैं जो डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, और ये मेनली ब्राउन एल्गी इसमें आते हैं, क्या ब्राउन एल्गी की कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे जैसे आता है फ्यूकस, क्या फ्यूकस एंड सैल्गैसम, सैल्गैसम, फ्यूकस एंड सैल्गैसम, ठीक है, फ्यूकस एंड सैल्गैसम, ये डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, ये आपको याद रखना है, क्या फ्यूकस एंड सैल्गैसम डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, बोलो भाई याद रहेगा,
इक्टोकार्पस्केल पॉलीसिफोनिया हैप्लोइडिक डिप्लॉइडिक, लेकिन करना चाहिए हैप्लोइडिक इसीलिए हम उसको एक्सेप्शन में रखे। नेक्स्ट डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल भी कुछ एल्गी शो करते हैं जैसे कि फ्यूकस और सेलगेशम, ये ब्राउन एल्गी के एग्जांपल है। क्लियर है? तो एग्जांपल नोट डाउन कीजिए, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल मोस्ट ऑफ द एल्गी शो करते हैं और उसमें से ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये तो कॉमन है, ये आपको याद रखना चाहिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो पूछेगा। नेक्स्ट यहां तक नोट डाउन करेंगे और हेडिंग देंगे डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। क्या डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल? नेक्स्ट हेडिंग देंगे डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। क्या डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल? डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल कौन से करते हैं? तो मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। और अभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कौन डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल था एल्गी में, कौन था? फ्यूकस और, बोलो ना, फ्यूकस और सेलगेशम डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। उसके अलावा डायटम्स भी डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल शो करता है। क्लियर? चलिए, तो डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइट होता है। क्या डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल में मैक्सिमम टाइम पीरियड प्लांट्स का वो स्पोरोफाइटिक जनरेशन में बीतेगा, यानी मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, स्पोरोफाइटिक होता है। क्या मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होता है? पहले डायग्राम से समझ जाते हैं फिर यहां से लिखेंगे। तो मेन प्लांट बॉडी इसका होता है स्पोरोफाइट। क्या होता है भाई? स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। क्या डिप्लॉइड प्लांट बॉडी? ये स्पोरोफाइट बहुत लंबे समय तक बना रहता है। क्या बहुत लंबे समय तक बना रहता है? जब ये मैच्योर हो जाता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को गेन कर लेता है, अटेंड कर लेता है, तब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, फ्यूकस में, सेलगेशम में और डायटम्स में क्या होता है, मियोसिस होता है। उसके रिप्रोडक्टिव सेल में क्या होता है, यहाँ पे मियोसिस होता है। ये सेल है, इसमें होगा मियोसिस और मियोसिस से बनेगा हैप्लॉइड सेल। ये लिख देते हैं मियोसिस, मियोसिस से यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, ये फिर दो स्पोर्स और ये फिर दो स्पोर्स। क्लियर है? ये मियोसिस हो गया, स्पोर्स बने, ये स्पोर्स जर्मिनेट करेगा और क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। पता है ना, स्पोर्स जर्मिनेट करेगा, डेवलप करेगा और क्या बनाएगा, बनाएगा गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट, बोलो। क्लियर है? इस गैमेटोफाइट में क्या होता है, इस गैमेटोफाइट में गैमेटोजेनेसिस होता है। क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस होता है। तो यहां पे होता है गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, बोलो भाई क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस से गैमेट का फॉर्मेशन होगा, दो गैमेट्स का फ्यूजन होगा, और जब दो गैमेट का फ्यूजन होगा तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंगैमी। क्या कहते हैं? सिंगैमी। क्या कहते हैं? सिंगैमी कहते हैं। क्लियर? चलिए, तो सिंगैमी हुआ, सिंगैमी मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन, और फिर तुरंत बन गया क्या, यहाँ पे जाइगोट। क्या बन गया? जाइगोट। और ये जाइगोट होता है डिप्लॉइड और ये जाइगोट डेवलप करता है, फिर बनाता है स्पोरोफाइट। यानी अगर आप देखिए तो प्लांट में जो हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल है, जो हैप्लोइडिक टाइम पीरियड है, वो यहाँ बस गैमेट्स तक ही है, बहुत कम समय तक है। क्या है? बहुत कम समय तक है और ये मियोसिस में है। तो हैप्लोइड टाइम पीरियड, हैप्लोइडिक टाइम पीरियड या गैमेटोफाइटिक टाइम पीरियड, गैमेटोफाइटिक जनरेशन बहुत कम समय के लिए है और डिप्लॉइडिक टाइम पीरियड बहुत लंबे समय के लिए है। तो वैसे लाइफ साइकिल को कहते हैं डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, और मोस्टली हायर प्लांट ऐसा शो करते हैं। कौन? हायर प्लांट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। कुछ लोअर प्लांट्स भी हैं जैसे कि फ्यूकस, सेलगेशम एंड डायटम्स। ये क्या डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल में क्या मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी, बोलो भाई क्या होता है मेन प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट। क्या होता है? स्पोरोफाइट, यानी जो स्पोरोफाइट होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। क्या? डिप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट, ये जो स्पोरोफाइट होता है सर, इसका वो कैसा होता है, तुमको पता है कैसा होगा? डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग एनिमल। कैसा होगा? डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग, डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग, बोलो भाई क्लियर है? नेक्स्ट गैमेटोफाइट इसका,
तो आपको पता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो गैमेटोफाइट है ये अपना न्यूट्रिशन कहां से ऑब्टेन करता है, स्पोरोफाइट से ऑब्टेन करता है। तो गैमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है, तो गैमेटोफाइट यहाँ का जो होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है, तो लिखेंगे गैमेटोफाइट ब्रैकेट में लिखेंगे नॉट फ्री लिविंग, नॉट फ्री लिविंग, गैमेटोफाइट नॉट फ्री लिविंग। ठीक है, ये जो गैमेटोफाइट होते हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, क्या यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल का अगर हम बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल याद रखना बहुत आसान है आपके लिए। सबसे पहले याद रखना ऑल सीड प्लांट, क्या ऑल सीड प्लांट जैसे कि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। हाँ, स्पाइडर चला वल्गो में, बस ट्रिक एक ही में बन रहा है, वो भी किसमें, हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल में। ठीक है, स्पाइडर वगैरह क्लाइडोमोनास एंड वॉल्वॉक्स, ऑल सीड प्लांट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म आंख बंद करके क्या डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। और कुछ और भी एल्गी हैं और लोअर ऑर्गेनिज्म को करना चाहिए हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल शो, लेकिन वो करते हैं डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल शो, जैसे कि फ्यूकस, क्या फ्यूकस सैरकैशम एंड डायटम्स। बोलो भाई क्लियर है, ये सब डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। यहां तक नोट डाउन करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। हैप्लो डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, क्या हैप्लो डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, देखो एनसीईआरटी तुमको एक ही लाइफ साइकिल पढ़ा रहा हैप्लो डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, लेकिन वहां पे यहां पे हम पढ़ेंगे कि दो तरह के लाइफ साइकिल ऐसे होने चाहिए, एक तो हैप्लो डिप्लॉइडिक और दूसरा डिप्लो हैप्लॉइडिक। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा में क्या है, कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली हैप्लोइड जनरेशन यानी गैमेटोफाइटिक जनरेशन भी देखने को मिलता है और स्पोरोफाइटिक जनरेशन भी देखने को मिलता है। टेरिडोफाइटा में भी हैप्लोइड और डिप्लोइड दोनों जनरेशन देखने को मिलता है, आप दोनों में से किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, समझ में आ गया। मतलब एक अगर 60% है तो दूसरा 40% है, अगर पहला 40% है तो दूसरा 60% है। कहने का मतलब है कि अगर गैमेटोफाइटिक जनरेशन 60% है ब्रायोफाइट में, तो स्पोरोफाइटिक जनरेशन 40% है। क्लियर, टेरिडोफाइट में क्या होता है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन अगर 60% है तो गैमेटोफाइटिक जनरेशन 40% है। मतलब इतना ब्रायोफाइटा में या टेरिडोफाइटा में दोनों, मतलब गैमेटोफाइटिक जनरेशन और स्पोरोफाइटिक जनरेशन दोनों मल्टी सेलुलर होता है, दोनों क्या होता है मल्टी सेलुलर होता है, कुछ समय तक परसिस्ट करता है, नहीं दोनों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो ज्यादा टाइम पीरियड एग्जिस्ट करता है, जैसे ब्रायोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी क्या है गैमेटोफाइट, तो वहां पे हैप्लो डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल होगा। टेरिडोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी क्या है स्पोरोफाइट, तो वहां पे डिप्लो हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल होगा। आया समझ में, तो यहां तक आप नोट डाउन करेंगे फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। नेक्स्ट हेडिंग देंगे हैप्लो डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, क्या हैप्लो डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल कौन सा करता है हैप्लो डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, ब्रायोफाइटा शो करता है, कौन ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। हेडिंग दीजिएगा हैप्लो डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, हैप्लो डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। क्लियर, यहां पे फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स एक्सिबिट एंड इंटरमीडिएट कंडीशन, क्या एक्सिबिट एंड इंटरमीडिएट कंडीशन, इंटरमीडिएट कंडीशन मतलब ना ये तो हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल शो करते हैं ना ये डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल शो करते हैं,
ये दोनों के बीच का इंटरमीडिएट कंडीशन शो करते हैं जिसको हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल कहते हैं। इसमें दोनों कंडीशन मतलब जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों फेज जो है वो क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है और सर्टेन टाइम तक कंपैरेटिवली दोनों फेज एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे बोथ फेजेस आर मल्टी सेलुलर, बोथ फेजेस आर क्या, मल्टी सेलुलर बोथ फेजेस आर मल्टी सेलुलर। चलिए देखते हैं ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में कंपैरेटिवली दोनों क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। चलो उसका लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल में तुम सबसे पहले क्या करो ना कि इसके कैसे लाइफ है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट होता क्या है, कहानी यहां पे शुरू करते हैं हम स्पोरोफाइट्स। किससे कहानी शुरू करेंगे भाई? स्पोरोफाइट, यहां स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में क्या, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में क्या हो, ये डिप्लॉयड होता है। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा भाई? मियोसिस होगा। यहां पे लिख देते हैं मियोसिस। तो क्या होगा, हैप्लोइड सेल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? हैप्लोइड सेल्स, और बनते हैं स्पोर्स। क्या बनते हैं भाई? स्पोर्स। तो ये बन गए स्पोर्स। क्या बन गए? स्पोर्स बन गए। क्या? स्पोर्स बन गए। इसलिए ये स्पोर्स जर्मिनेट करेगा, ये स्पोर्स हैप्लोइड होते हैं। मियोसिस के बाद स्पोरोफाइट में मियोसिस हुआ, ये स्पोर्स बने। इस स्पोर, ये स्पोर्स जो है ना, ये सब स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं। क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं, डेवलप होते हैं और क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? गैमेटोफाइट बनाते हैं। इस गैमेटोफाइट में क्या, इस गैमेटोफाइट में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है। क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। और गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स का फ्यूजन होता है। फर्दर गैमेट के फ्यूजन को कहते हैं सिनगैमी। क्या कहते हैं? सिनगैमी। और सिनगैमी से बनता है जाइगोट। क्या बनता है? ये जाइगोट। और जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट होता है, वो बनाता है स्पोरोफाइट। यानी गैमेटोफाइट में क्या हुआ? गैमेटोजेनेसिस हुआ। गैमेटोजेनेसिस हुआ। यानी कंपैरेटिवली अगर आपको देख रहा है तो स्पोरोफाइटिक जनरेशन भी लंबे समय तक होता है, 12 लिख देते हैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन, और गैमेटोफाइटिक जनरेशन भी थोड़ा लंबे समय तक होता है। क्लियर है? क्या दोनों कंपैरेटिवली अपना अपना टाइम पीरियड एग्जिस्ट करते हैं, दोनों में से किसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए दोनों के बेसिस पे इस लाइफ साइकिल का नाम पड़ा हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। क्या? हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी, ब्रायोफाइट में क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी जो होता है वो गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है? गैमेटोफाइट होता है। और ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पे पार्शियली या टोटली अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहता है। क्लियर है? लेकिन ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट भी डेवलप्ड होता है, मैच्योर होता है और शूट सेटा कैप्सूल बनाता है, और गैमेटोफाइट भी मैच्योर होता है।